नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई के कांदिवली इलाके में यह देखिए कश्यप समाज एकता मंच का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी, राज्यसभा सदस्य विशंबर निषाद, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, स्थानीय भाजपा विधायक अतुल भातखड़कर, समाज सेवक रमेश गौड़ कार्यक्रम में पहुंचकर समाज के लोगों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन संस्था के चेयरमैन राम समुद्र निषाद, सेक्रेटरी सुरजीत कुमार गौड़, कोषाध्यक्ष चंद्रमणि वर्मा, महिला चेयरमैन श्रीमती ज्योति गौड़, कमेटी सदस्य श्रीमती कृष्णा गौड़ एवं उनके सहयोगियों द्वारा किया गया था। हम आपको सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने और कुछ क्या कहा। मेरा संदेश यही है कि सबसे पहले पूरे कश्यप समाज का और यहाँ की जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो महिला अध्यक्ष हैं, उन सभी लोगों का मेरा दिल से आभार। मेरी पूरी टीम की तरफ से उनका दिल से आभार। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान किया, मुझे लायक समझा कि अपने पीछे मुझे बुलाया। जहाँ तक मदद का सवाल है, उस नाते मैं हमेशा 24 घंटे इनके लिए बैठा हूँ। जैसा मैंने अभी आपको स्पीच में मैंने अभी कहा कि मैं, मेरी ऑफिस आ रही है, उस ऑफिस में मैं एक जगह ऐसा रखूँगा रिसेप्शन में, एक मैं कुछ चेयर लगाने वाला हूँ जो बहुत सारे संस्थाओं से जुड़ी रहेंगी। उसमें यह कश्यप समाज की भी एक जगह होगी जो ये वहाँ बैठ के अपने सारे तकलीफ दूर कर सकते हैं। इनके लिए जो भी हॉस्पिटलाइज हुआ या इनके हमारे बीच में जो शादी ब्याह को लेकर जो मसला होता है, जो लोगों में आज पारिवारिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसमें सारी चीज़ों में अगर कहीं भी मेरा कोई भी रोल होता है, उसके लिए मैं हर समय तत्पर हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि हर समाज को एकजुट होना चाहिए। इस समाज में एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज जैसे लोग कुछ भी गलत फहमी फैला देते हैं और लोग समाज पे आज लोग उतर जाते हैं हिंसा करने के लिए, वह कहीं ना कहीं लोगों को एक जानकारी की कमी होती है, इसलिए लोग उतर जाते हैं। आज हमारे उस्मान भाई हैं, इन्होंने भी कई रैली, कई मोर्चे इन्होंने निकाला, समीन भाई ने मालोनी में निकाला, लेकिन एक भी हिंसा नहीं हुई। यह समाज और जागरूकता का यह जो संदेश लोगों को जाता है, यह उसका नतीजा है कि इन्होंने सही लोगों को मैसेज दिया, लोगों को सही गाइडेंस किया, लोगों को सही इन्होंने एक ट्रैक पे इन्होंने लेके अभियान निकाला। तो मैं चाहूँगा जितने महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, हमारे जितने भारतवर्ष में जितने भी संस्थाएँ हैं, जितने भी समाज हैं, उनको एक छत्र के नीचे आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा इस समाज के लिए, जो हमारा कश्यप समाज है, उस समाज के ये बच्चे हैं और हम इनके भाई हैं। और यहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं और जितने भी लोग हैं और लेडीज़ महिला हैं, मैं देख रहा हूँ कि महज खाली एक दो लोग नहीं है, पूरा पूरा परिवार है। और ये परिवार वहीं जमा होता है जहाँ पे समाज अपना हक, अपना अधिकार, अपने रिश्ते एक दूसरे से जता सके। अगर कोई चीज़ यहाँ पे अगर एक साथ जुटी है तो वो समाज को लेके या कोई मैसेज को लेके, मैं चाहूँगा पूरी सरकार से, पूरे हिंदुस्तान से, जहाँ तक भी आवाज़ जाए, इनको इनका हक मिलना चाहिए, हर जगह मिलना चाहिए, हिंदुस्तान के हर कोने में मिलना चाहिए कश्यप समाज को। बाकी के जितने भी और समाज हैं, उन समाज के लिए भी यही बोलना चाहूँगा कि सब एक प्लेटफॉर्म में आए और अपना हक मांगे। और हमारे देश के लिए स्पेशली हर बच्चे से, हर यूथ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे भाइयों, पढ़ो और देश को बढ़ाओ और जाहिल लोगों को नीचे उतारो। हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, हमारी इकोनॉमी गिर चुकी है, हमें वर्ल्ड बैंक ने थपथपा दिया है। ये सब रीज़न क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने पढ़े लिखे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। खाली बस पहले एक गुंडा राज चलता था, बदमाश होते थे, 10-5 घोड़े होते थे पीछे। ये वैसे ही माहौल दिख रहा है कि गाँव में 10-5 घोड़े घुसे और लोग अपने घरों में घुस गए। घरों से बाहर निकालो और ऐसे डाकू और बदमाश को रोड पे लाओ और कुत्ता बना बना के मारो, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, कोई भी समाज के हो। और समाज को जो समाज न समझे वो किसी काबिल नहीं और कहीं समाज में बिठाने के लायक नहीं है। हमारी संस्था लास्ट 10-15 सालों से काम कर रही है और पूरा मुंबई, न्यू मुंबई, बॉम्बे से लेके चर्चगेट, विरार, नालासोपारा, न्यू बॉम्बे, मतलब चारों दिशाओं में फैली हुई है। संस्था के माध्यम से आप क्या समाज के लिए क्या क्या काम करते हैं? हम लोग संस्था के माध्यम से सबसे पहला तो लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। हम लोग जो अपने समाज के लोग हैं, जो यहाँ वहाँ पे बिखरे हुए हैं, सबसे बड़ा काम हमारा वही है कि एक छत के नीचे सबको लाना है जो बिखर गए हैं,
उनको लाना है। संस्था का उद्देश्य है कि समाज के जो बिखरे हुए लोग हैं, जो विभिन्न उपनामों में बटे हुए लोग हैं, उनकी जानकारी पूरे समाज तक पहुंचाना। ये पूरा समाज के अंतर आता है, जितने उपनाम से बटे हुए हैं उस उपनामों की जानकारी लोगों तक पहुंचाना कि लोग जाने पहचाने और जुटें और एक साथ मिला करके एक दूसरे का शुभ चिंतक बने। दूसरी चीज़ कि समाज में सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है, जो आज यहाँ 25-30 साल से लोग रह रहे हैं, यहाँ बच्चे पैदा हुए, बड़े लिखे बड़े हुए, आज एक शादी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बनी हुई समाज में। यहाँ पर लोग हैं लेकिन एक दूसरे को जानकारी नहीं है कि कौन कहाँ किस रूप में है। ये संस्था लोगों से डाटा लेकर के एक दूसरे को जानकारी प्रदान करने का कोशिश कर रही है। दूसरी चीज़ कि ये संस्था बच्चों के लिए काम कर रही है, बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है, प्रतिभा को बिखार सकें। कश्यप समाज के अंतर्गत तो कम से कम 1100 से ऊपर उपजातियों का नाम है, आज सबको नहीं मालूम है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर स्टेट में किस नाम से जाने जा रहे हैं उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचे और लोग जाने और वहां पर एक दूसरे से मिले और जान पहचान बढ़ाए। मेरा नाम कृष्णा गौड़ है। एक कार्यक्रम हम लोग एक दूसरे को मिलाने के लिए रखे हैं, क्योंकि लोग एक दूसरे को जानते नहीं, बाजू में रहते हैं लेकिन फिर भी उनको पता नहीं कि हमारे समाज के ही हैं। हम लोग उन सबको एक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको शादियों के प्रॉब्लम है तो उनको एक दूसरे का परिचय करा के उनको रिश्ता भी मिलवा रहे हैं। आज का कार्यक्रम ये हमारा तो 3rd साल का है, तो इसके पहले से हम लोग जोड़ रहे हैं लोगों को कि आगे चल के बच्चे में प्रॉब्लम नहीं आए। जैसे कि आज सब जगह प्रॉब्लम्स है, बच्चे लोग का शादी ब्याह का, फिर कहीं डिवोर्स का होता है, तो ये सब नहीं हो। हम लोग समझा बुझा के उनका आगे अच्छी तरह से सब करें, यही सब हमारे इसमें समाज में हेल्प करते सबको। एक्चुअली मेरे हिसाब से तो बेटियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण देना चाहिए, उन लोगों को पढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि आगे बढ़े। हम लोग को उनको बांध के नहीं रखना चाहिए, और प्लस बहू बेटी में भी फर्क नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि हम दूसरे की बेटी लाते हैं, हमारी बेटी दूसरे के घर पे जाती है तो कितने प्रॉब्लम्स आते हैं हमें मालूम है, तो हमें भी उनके साथ अपने अच्छा व्यवहार रखना चाहिए तो ही आगे बढ़ेंगे। नहीं तो कोई कोई आजकल दहेज का मामला बहुत चल रहा है, तो दहेज लेना एक गुनाह है कि एक्चुअली दहेज तो नहीं लेना चाहिए। बेटी अगर हम लोग इतना पाल पोस के बड़ी करके दे रहे हैं, उसको इतना कैपेबल बना रहे, तो क्या जरूरत है दहेज लेने की? वो तो आपको सब देगी ना, तो भी लोग मांगते हैं आजकल। सबसे पहले पूरे देशवासियों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं रमेश गौड़ इस समाज का नए साल में स्वागत करूंगा नए कार्यालय के साथ, और एक ही संदेश दूंगा जैसे कि अभी हमारे अध्यक्षता जी ने कहा, जैसे आपने आपका एक सवाल था बेटियों के बारे में, आज बेटियों के लिए हमें जागृत होने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह हम अपने बेटों को खुली आज़ादी देते हैं, बेटों को हम कहते हैं कि जाओ रात को 4 बजे जाओ, बेटा कभी ड्रिंक करके घर चले आता है उसको नहीं रोक टोक करते हैं, तो बेटियों को तो हम कंट्रोल में रखते हैं तो बेटों को कब रखेंगे? तो मेरा ऐसा मानना है अगर हम बेटों को भी कंट्रोल में रखेंगे, अगर हम अपने घर में जो भी इंसान है, अपने जो भी मतलब जो पुरुष वर्ग है, अगर हम उसको कंट्रोल में रखेंगे और बेटियों को हम थोड़ा सा शिक्षित करेंगे और उनको जागरूक करेंगे, उनको पर्दे में ना रखकर उनके तकलीफ़ों में अगर हम शामिल होते हैं, तो हमारे सामने खुल के हमारी बच्चियाँ हमसे अपना तकलीफ़ बयां कर सकेंगी। और जब हमारी बच्ची अगर हम अपने तकलीफ़ हमारे सामने रखेंगी तो हम उनका प्रॉब्लम को इजीली समझ सकते हैं और उनके साथ में हम खड़े रह सकते हैं। आज कोई भी बेटी शादी करके अपने घर जाती है तो वह आधी बात तो डर के मारे इसलिए नहीं कहती कि पापा मम्मी के मान सम्मान की बात है, इज्जत की बात है, उसको लोग क्या कहेंगे, उनकी इज्जत जाएगी। अगर मैं रात को 4 बजे 3 बजे उनसे मारा जाता है, पीटा जाता है, घर से निकाल दिया जाता है, बाहर गार्डन में बैठती है, झाड़ के नीचे बैठती है और फिर रिटर्न घर चली जाती है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटियों को इतना जागरूक करे, वो अपनी तकलीफ बढ़ाए और बेटियों को इतनी शिक्षित करे कि वो अपना परिवार लेकर चल सके। नए साल में चाहूँगा आप लोगों को, आपने नए साल पर मुझसे पूछा है, तो मैं चाहूँगा सारे लोग आगे बढ़े, तरक्की करें, सारे लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका साल मंगलमय हो, आपकी जीवन सुखी रहे।